हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइफ प्रोसेस एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले यही कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सपोज या तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स को ईट करके या तो प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। ठीक इसी तरह सपोज अब ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, किस वे से वो ऑब्टेन करते हैं उस फूड को। सपोज अगर हम देखेंगे डियर को फूड ऑब्टेन करना है तो उसके लिए जो स्टैटिक है ग्रास एक स्टैटिक उसके लिए फूड है, वो वहां पे जाके उसको ऑब्टेन कर सकती है। लेकिन अगर इसी लॉइन के बारे में हम बात करेंगे, लॉइन को अगर फूड ऑब्टेन करना है तो उसके लिए जो है डियर को उसके लिए फूड है तो वो डियर जो है वो मूवेबल है, वो भाग जाएगी उसके। तो उसको एक अलग वे है फूड ऑब्टेन करने के लिए और गोट को अलग वे है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारी वे से डिफर करता है ये जो हेटरोट्रॉफ्स जो है फूड अपना ऑब्टेन करते हैं। तो हम इसको सिंपली में सिंपल वे में तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सपोज होलोजोइक में ह्यूमंस आते हैं जो एक सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं एंड फिर उसको अंदर जो है डाइजेस्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से टर्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन से बोलते हैं हम। इसी तरह सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक में फंगी के एग्जांपल है यीस्ट, मशरूम जो है ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपनी बॉडी के बाहर सीक्रेट करते हैं फूड पे, उस फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करके जो है फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को एनग्लव करते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ये फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम पैरासाइट्स के बारे में देखेंगे, कस्कट है जहां पे दिया है, ट्रिक्स है, लाइस है, लीच एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे पैरासाइट्स से कुछ प्लांट्स पे है, कस्कट है जो है प्लांट्स पे है, कस्कट है या कुछ और भी प्रोनाउंस है इसकी, ट्रिक्स जो है या लाइस जो है ये ह्यूमंस पे पैरासाइट है। तो ये भी एक वे है फूड हेटरोट्रॉफिक, जहां पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहां पे फूड ऑब्टेन करते हैं वो एक अपने होस्ट से। तो सिंपल से टर्म से उतना ये डिफिकल्ट है नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, अब ऑर्गेनिज्म जो है फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक कौन सी वेज के थ्रू फूड ऑब्टेन करते हैं। अगर हम देखेंगे जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, सपोज अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है या पैरामीशियम को हम जानते हैं, हमने 9th में डिस्कस किया था वो, तो वहां पे क्या होता है वो सिंगल सेल्यूलर है तो उनकी होल बॉडी जो है वो यूज हो सकती है फूड ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन कुछ में क्या स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो जहां से फूड अंदर किया जाता है, लेकिन बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो होल बॉडी को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हम अमीबा को देखेंगे तो न्यूट्रिशन अमीबा में क्या होता है, सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है और ये अमीबा की शेप से हम फेमिलियर है तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये फूड है। तो यहाँ पे क्या होता है अमीबा अपने सीडोपोडिया को इस वे में जो है मॉडिफाई करता है कि वो इस फूड पार्टिकल को एनग्लफ करता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऐसी शेप बनाई है फूड को एनग्लफ करने के लिए, थर्ड स्टेप में जो है फूड पार्टिकल इसको एनग्लफ किया है और फिर जो है फूड एनग्लफ यहाँ पे किया है, इस पे यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे सीक्रेट किए जाते हैं और इसको डाइजेस्ट किया जाता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे एनर्जी निकाली जाती है, हम अभी ये समझ सकते हैं कि एनर्जी को हमने यूज किया एमीबा को ग्रो करने के लिए, एमीबा की शेप जो है बढ़ गई, एमीबा का साइज जो है बढ़ गया और बाकी जो वेस्ट रहता है वो फिर वेस्ट जो है वैक्यूल क्रिएट किया जाता है, उसमें वैक्यूल जो है वैक्यूल में वेस्ट डिपॉजिट किया जाता है, फिर उसको इसी तरह यहाँ पे किसी जगह ये जो है इसी तरह की शेप बनाती है और यहाँ पे उसको बाहर किया जाता है ऐसे, सपोज में यहाँ पे उसको बाहर फेंका जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर दो टाइप की न्यूट्रिशन आ जाती है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस एक्स्ट्रा, वो नहीं दिया हमारे टेक्स्ट में तो हम डिस्कस वो नहीं करेंगे, सिंपल से टर्म से आप आगे जाके उनसे फेमिलियर हो जाओगे। इन एमीबा सीडोपोडिया आर यूज, एमीबा में सीडोपोडिया यूज होती है और सीडोपोडिया जो है किसी भी साइड से बॉडी पार्ट से निकल सकती है और फूड का एनग्लफ कर सकती है। लेकिन जो पैरामीशियम में वहां पे सीलिया का यूज किया जाता है एंड फूड को पर्टिक्यूलर जगह से ही जो है अंदर लिया जाता है। अगर आपको याद होगा पैरामीशियम की शेप जो थी वहां पे इस तरीके की शेप थी और यहाँ पे एक साइड का ऐसा कुछ एक यहाँ पे कुछ इस तरीके की शेप यहाँ पे बनाई गई थी, यहां से जो है फूड पार्टिकल को लिया जाता है। यहाँ पे सीलिया जो है सीलिया वो हेल्प करते हैं लेकिन जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पार्ट से अंदर लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन है, इसमें इतना एनफ है। अब हम डिस्कस करेंगे अब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अभी देख पा रहे होंगे मैंने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की जो है कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो देखना कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ से हैं, या आपके टेक्स्ट पे भी दिया गया है वहां पे भी आप उसको अपने सामने रख के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब पार्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो है
एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से अनस तक रन करता है, एक लॉन्ग ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। एक सिंपल से टर्म याद रखनी है आपको, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। इसको हम उसमें जो है सारे पार्ट्स आ जाते हैं, सपोज स्टोमक जो है, इसोफेगस या जो इंटेस्टाइन है, सारे इसमें आ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। इट इज डिफरेंट पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है स्पेशलाइज किए जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सपोज इसोफेगस यहां पे इसकी फंक्शन जो है वो है पैसेज ऑफ फूड, स्टोमक में डाइजेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन में ओवर डाइजेशन हो जाती है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो है डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट वे के लिए मॉडिफाई किए गए, डिफरेंट वर्क के लिए मॉडिफाई किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है, जैसे ही हम फूड जो है अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं तो इंजेक्शन जो हम करते हैं फूड का वो है थ्रू माउथ, ठीक है। तो माउथ जो यहाँ पे है, माउथ के फंक्शन हम पढ़ेंगे और माउथ का क्या रोल है डाइजेशन में, सारा इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ जो है क्रशिंग ऑफ फूड, सबसे पहली बात जो माउथ करता है, जैसे ही हम फूड को अंदर लेते हैं अपने माउथ में तो हमारे जो टीथ है ये क्रशिंग में हेल्प करते हैं, फूड को क्रश करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। पहली जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है माउथ की। सेकेंड जो है इसमें एक टंग है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। तो सलाइवा जो है वो मिक्स होता है फूड के साथ ताकि फूड की पैसेज जो है वो इजी हो जाए, और टंग जो है ये हमें हेल्प करती है फूड को मिक्स करने के, फूड को मिक्स सलाइवा के साथ करने के लिए जो है टंग हेल्प करती है। तो माउथ में क्या होता है, एक तो फूड को छोटे से पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है और उसके साथ सलाइवा को मिक्स किया जाता है, और जो सलाइवा होता है वो उसमें एक टाइप का एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। वो वाला एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। यहां पे माउथ में 30% ऑफ स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि माउथ में 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। उसका पुराना नाम था टाइलिन, आज को हम सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये माउथ की फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या है, अब माउथ में जो हमारी जो काम था वो हो गया, फूड ग्राइंड भी हो गया, क्रश भी हो गया, मिक्स भी हो गया सलाइवा के साथ, और एक टाइप की बॉल बन जाती है जिसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है ना। बोलस आपको याद रखना है, बोलस जो है वो जाता है ईसोफेगस में थ्रू फेरेंकस, ठीक है। फेरेंकस जो है कॉमन पैसेज होती है एयर और फूड के लिए। यहां पे जब फूड अपने हमारे माउथ से बाहर जाता है तो आपको आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा अपने माउथ के एंड पे, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर छोटा सा होता है यहाँ पे, इसको हम यूला बोलते हैं, UVLA, ठीक है, यूला। ये जो है जब से हम फूड पीछे चला जाता है तो ये माउथ जो हमारी नेजल इंटरनल लेरियस होती है, इंटरनल नेजल के जो पैसेज होती है वहां पे जो उसके होल्स होते हैं उनको ये कवर करता है, माउथ के एंड पे होता है हमारे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो है फूड बॉलस जो है वो फेरेंकस के थ्रू चला जाता है तो जहां पे वो ईसोफेगस में चला जाता है वहां पे दो ओपनिंग्स होती है, गट, एक तो होती है गट एक और होती है ग्लेट, ठीक है, गट एंड ग्लेट। वहां पे उसको ईसोफेगस में जाने के लिए एक टाइप का स्मॉल फ्लिप लाइक जो एक शीथ होता है जिसको हम एपिगुलर्स के नाम से जानते हैं, वो कवर करता है ट्रैकिया को ताकि फूड ट्रैकिया में न चला जाए, और फूड उसके ऊपर से जब चला जाता है तो वो ट्रैकिया को बंद करता है और फूड ईसोफेगस में चला जाता है। वहां पे दो ओपनिंग्स होती है, गट एंड गलेट। गलेट जो है ये होता है ट्रैकिया का, गट जो है गट होता है जहां से ईसोफेगस में फूड चला जाता है। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस यहां पे आप देखेंगे एक पैसेज है, यहां से लेके यहां तक एक पैसेज है जो अप टू 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर समथिंग होती है, और इसके डायमेंशन हमारे टेक्स्ट में नहीं दिए हैं। तो यहां से एक पैसेज है जो फूड को कैरी करती है माउथ से स्टोमक तक। अब जैसे ही ये स्टोमक में आ जाती है, स्टोमक से पहले यहां पे एक स्पिंक्टर लगा होता है। स्पिंक्टर क्या होता है, एक वैल्व टाइप का होता है जो फूड को रेगुलेट करता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्पिंक्टर, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है, क्योंकि यहां पे कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक स्पिंक्टर भी उसको हम बोलते हैं। अब मैं आपको ये पढ़ा सकता हूं कि स्टोमक के तीन पार्ट्स होते हैं, सपोज फंडस, कार्डियक बॉडी, पाइरोल्स एक्स्ट्रा। तो वो हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी हमारे टेक्स्ट ने दिया है मैं उसी को अच्छे वे से डिस्कस करूं, डिस्क्राइब करूं। तो नेक्स्ट जो है ईसोफेगस के थ्रू फूड चला जाता है स्टोमक में, ठीक। स्टोमक में जो है इनर वॉल्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाते हैं जिनको हम रूजी के नाम से जानते हैं, टेक्स्ट में नहीं दिया है, स्टिल आप याद रख सकते हैं। और इंटेस्टाइन में क्या, सॉरी स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
गैस्ट्रिक ग्लैंड डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एंड एसिड्स जो है सिक्रीट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सपोज सबसे पहले हमारी जो है स्टोमक में HCL के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। HCL के ग्लैंड्स जो है ये ऑक्सिनेटिक ग्लैंड्स वो HCL सिक्रीट करते हैं। वो HCL एक तो फूड को जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं ताकि पेप्सिन आ जाए और पेप्सिन उस पर एक्ट करें। पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। HCL ही यहाँ पे पेप्सिन को ये एक्चुअली जो है प्रो पेप्सिन में होता है, पेप्सिनोजिन उसे हम कहते हैं, ठीक, प्रो एंजाइम की सूरत में होता है, वो इनएक्टिव होता है। तो जब एसिड आ जाता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन को कन्वर्ट करने के लिए, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करने के लिए हमें HCL चाहिए होता है, फिर वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, जो है उनके रेस्पेक्ट स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, ठीक है यहां तक। तो HCL और भी कुछ काम करता है। सपोज अगर हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया गया है या कोई और हार्ड चीज गई है तो ये उसको डिसॉल्व करता है। अब म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस जो है ये स्टोमक की बॉडी को बचाता है एसिड के इफेक्ट से, क्योंकि जब स्टोमक में एसिड आ गया, अब एसिड जो है ये अपने ही स्टोमक के वॉल्स पे भी इफेक्ट करता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ एसिड से म्यूकस हमें बचाता है स्टोमक के वॉल्स को, ठीक। तो स्टोमक की यहां पे शेप आप देख सकते हैं, ये स्टोमक है, यहां से मैंने ट्राई किया कि इसको अच्छे से बनाऊं। यहां पे जब स्टोमक में फूड है इसको जो है एसिड्स ऐड हो गए, पेप्सिन ऐड हो गया, म्यूकस व्यूकस सारा जो है ऐड हो गया। यहां पे फिर ये पाइलोरिक स्पीचर से चला जाता है और यहां पे जो स्टोमक का पार्ट होता है इसको हम पाइलोरस बोलते हैं या पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, और यहां से पाइलोरिक स्पीचर के थ्रू ये रेगुलेट किया जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा करके इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो यहां पे होता है इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो है सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है यहां तक। अब फूड पहुंच गया कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहां पे है कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे बेली में, कंपैक्ट जो है वे में पैक होते हैं और इनकी जो है लेंथ भी वेरी करती है। सपोज अगर हर्बीवोरस है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खाते हैं, ज्यादातर घास खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लंबा जो है हमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए उनकी जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो लंबे होते हैं ज्यादा, तो ताकि ज्यादा टाइम मिले फूड को डाइजेस्ट होने में। सपोज अगर हम बात करेंगे कार्निवोरस की, सपोज लॉइन है, तो वो मीट खाते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ज्यादातर उसमें, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कम टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े से छोटे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पहली बात ये आपको याद रखनी है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। लॉन्ग इन हर्बीवोरस एंड शॉर्ट इन कार्निवोरस, मैंने बोल दिया क्यों होता है, ठीक। रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स आल्सो विज, यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये और भी ऑर्गन से जो है सिक्रीशंस लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो पेनक्रिया की सिक्रीशन आ जाती है और लिवर की सिक्रीशंस आ जाती है। यहां पे पेनक्रिया की सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से जाती है और यहां से लिवर की इसी पेनक्रिया डक्ट के थ्रू यहां से चली जाती है। ये यहां पे कॉमन जो है पेनक्रियाटिक एंड हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से हम कहते हैं, और यहां पे फिर ये इंटेस्टाइन में चला जाता है इसी के थ्रू। तो यहां पे लिवर की भी सिक्रीशन आ जाती है और पेनक्रियास की भी सिक्रीशन आ जाती है। यहां पे इस डक्ट को हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। इसको बोलते हैं, देखो ये है यहां पे ये बाइल डक्ट, ये जो है ये पेनक्रियाटिक डक्ट, और फिर जब इसके साथ ये बाइल डक्ट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यहां पे एक स्पीचर होता है जो उसको रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं स्पीचर ऑफ ओडी, ठीक। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। तो जैसे ही स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है तो सबसे पहले यहां पे आ जाती है हमारी सिक्रीशन जो है लिवर की, बाइल, ठीक। बाइल जो है लिवर सिक्रीट करता है, लिवर बाइल को सिक्रीट करता है और इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लेडर में। यहां पे ये डायग्राम है, ये गॉल ब्लेडर की है, इसमें जो है बाइल को स्टोर किया जाता है और इसके इसका जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, उसके बाद फिर इसको बाइल डक्ट के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में डाला जाता है। तो इसका क्या काम है? बाइल जूस इमल्सिफाइज फैट्स इंटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक, क्रिएट इस अल्कलाइन मीडियम। जो बाइल जूस होता है इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ये फैट्स को, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड बेसिक मीडियम जो है प्रोवाइड करता है, ठीक।
जो अल्कलाइन मीडियम है ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि पेनक्रियाटिक जूस उस पे एक्ट करे उस फूड पे, क्योंकि वो एसिडिक होता है जब वो स्टोमक से आ जाता है। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, तो बाइल जो है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद पेनक्रियाज की सिक्रेशन आ जाती है। पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का जिक्र हमारे टेक्स्ट में है, तो मैंने इन्हें दो को डिस्कस किया यहाँ पे। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पे एक्ट करता है, या उन पार्टिकल्स पे जो प्रोटीन के जो है सब पार्टिकल्स होते हैं उन पे एक्ट करके उनको ओवर डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिन है इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। नीट में भी काफी बार पूछा गया है एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है, लेकिन एंटेरोकाइनेज को इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइन वॉल जो है वो सिक्रीट करता है एंटेरोकाइनेज को, और वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को, ठीक। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो भी पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं यहाँ पे, और लाइपेज होते हैं, लाइपेज भी वही करते हैं काम जो यहाँ पे फैट ग्लोबुल्स को हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया था उन पे एक्ट करके उनको और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है पेनक्रियाज के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सकस एंट्रकस, ठीक है। सकस एंट्रकस एक कॉमन एक टर्म है जो हम यूज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के लिए, ठीक। जो एंजाइम्स इंटेस्टाइन क्रिएट करते हैं उनको हम एक सिंपल टर्म से सकस एंट्रकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स फ्रॉम इंटेस्टाइन ग्लैंड्स कन्वर्ट, जो इंटेस्टाइन ग्लैंड्स वहां से एंजाइम्स आती है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट्स को हम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें इंटेस्टाइन में होती है और यही लास्ट वाली प्रोसेस होती है हमारे डाइजेशन की। जब ये पार्टिकल स्मॉल और सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है उसके बाद इनको हम इंटेस्टाइनल वॉल्स में लेते हैं। कैसे, यहां पे लिखा है कि इंटेस्टाइनल विल्ला हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइनल के जो इनर वॉल्स होते हैं उन पे प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसी होती है प्रोजेक्शंस, ठीक। वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, उनको हम विल्ला बोलते हैं, विल्ला ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। वो रिच होती है ब्लड सप्लाई में या लिम्फेटिक वेसल्स में, उनमें जो लिम्फेटिक वेसल होती है उसको हम लेक्टिकल बोलते हैं, लेक्टिकल्स आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो इन पार्टिकल्स को हम विल्ला जो है एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में उनको जो है छोड़ देती है, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक चली जाती है। अब बात यह है कि इंटेस्टाइन में सारा जो फूड हमने खा लिया वो तो सारा यूज नहीं होगा, उसमें कुछ वेस्ट भी है और कुछ अनडाइजेस्ट फूड भी रहेगा, तो वो जो है वो सारा चला जाता है हमारे यहां से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां से फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो यहां पे क्या होता है, जैसे वो यहां पे चला जाता है इलियोसिकल वाले के थ्रू, तो यहां पे फिर उसको क्या किया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो थोड़ा सॉलिडिफाई किया जाता है और फिर उसको यहां पे रेक्टम में रख के एनस के थ्रू बाहर किया जाता है जो वेस्ट जमा हो जाता है। यहाँ पे ये जो शेप बनाई गई अपेंडिक्स की है, अपेंडिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सुना होगा कि अपेंडिसाइट से किसी को अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो यही अपेंडिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और कुछ टाइप के हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे लिए जो है हमारे लिए कुछ प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो अपेंडिक्स यहाँ पे होता है और यहां से ही जो है फूड अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है और वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, फिर उसको सॉलिडिफाई करके रेक्टम से बाहर किया जाता है, ठीक। तो ये है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, ये थोड़ा सॉलिडिफाई करता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना जो है एनफ है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। बाकी ठीक है इतना ही दिया है कि यहाँ पे भी जो लास्ट पे है एनस में भी एक स्पिंडल होता है जो रेगुलेट करता है उस वेस्ट को बाहर जाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वहां पे स्पिंडल प्रेजेंट होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं हर एक पॉइंट टच करूं जो भी इसमें दिया हमारे टेक्स्ट में, उसको मैं एटलीस्ट यहाँ पे टच करके आपको बोलूं। एक डायग्राम मैंने क्रिएट किया, बनाई है ताकि ड्रा किए ताकि आप इसको थोड़ा सा समझने में आपको हेल्प हो जाए।
बाकी अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।